नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन बाल। इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर बुधवार को खत्म हुई है G20 की बैठक में, और G20 की अध्यक्षता अगले एक साल के लिए भारत को सौंप दी गई है। और इस साल 1 दिसंबर से शुरू होकर अगले साल 30 नवंबर तक भारत ही G20 समूह का अध्यक्ष रहेगा, और इस नाते अगले साल नवंबर में G20 समूह में शामिल देशों की शिखर बैठक में भारत में ही आयोजित होगी। और G20 समूह की अध्यक्षता को मोदी सरकार ने भारत की एक बड़ी कूटनीति उपलब्धि बताया है, और इसलिए अगले एक साल तक सरकार की योजना शिखर बैठक से पहले अलग अलग विषयों पर कई कार्यक्रम भी किए हैं। आपको बता दें कि जानकारी मिली है कि आज़ादी के 75वें साल में मिली इस अध्यक्षता को मोदी सरकार बड़े पैमाने पर मनाने जा रही है, और इस कार्यक्रमों को आज़ादी के अमृत महोत्सव से भी जोड़ने की योजना चल रही है। और ऐसे में सरकार अगले साल होने वाली शिखर बैठक से पहले देश के 75 शहर में इससे जुड़े जो 75 कार्यक्रम हैं उसमें बैठ के आयोजित करने की योजना बन रही है। और कोशिश ये भी की जा रही है कि देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ही कम से कम एक कार्यक्रम और बैठक आयोजित करवाई जाए, और उन जगहों पर विशेष फोकस दिया जाए जो पर्यटक की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ताकि उन्हें दुनिया के सामने पेश किया जा सके। ऐसी जगहों में वाराणसी, केवड़िया और कश्मीर जैसी जगहें शामिल हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की अध्यक्षता में आज को कैबिनेट बैठक हुई, और आपको बता दें कि इस बैठक में ही विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से 3 दिवसीय सत्र बुलाने समेत कुल 12 प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। कैबिनेट मीटिंग में ही इस बात पर भी चर्चा हुई है कि इस साल का बजट कैसा होगा, और इस बैठक में 2 निजी विश्वविद्यालय के स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है, और इसके तहत हरित विश्वविद्यालय और गाजियाबाद और इसके साथ ही महावीर विश्वविद्यालय मेरठ को आश्रय पत्र जारी करने की मंजूरी मिली है। तो आपको बता दें कि योगी कैबिनेट ने कई अहम प्रस्ताव जो हैं वो जारी किए हैं, और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें जहां पर कैबिनेट मीटिंग जो है उसमें इस बात पर भी चर्चा की गई है कि साल का बजट कैसा होना चाहिए, और इस बजट में 2 निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। तो योगी कैबिनेट में अहम प्रस्ताव पास किए गए हैं, और इसी के साथ ही आपको बता दें कि 5 दिसंबर से यूपी का शीतकालीन सत्र योगी कैबिनेट ने कई अहम प्रस्ताव पास किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई है, और इस बैठक में विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से 3 दिवसीय सत्र बुलाने समेत कुल 12 प्रस्ताव पर मुहर लग गई है, और कैबिनेट मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा हुई है कि इस साल का बजट कैसा होगा, और इस बैठक में 2 निजी विश्वविद्यालय के स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है, और इसके तहत हरित विश्वविद्यालय गाजियाबाद और महावीर विश्वविद्यालय मेरठ को आशय पत्र जारी करने की मंजूरी दी गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी से ब्यूरो हेड दानिश वारसे जुड़ चुके हैं। दानिश, जिस तरह से खबर सामने आ रही है यूपी में जो प्रस्ताव है उसको देखते हुए 5 दिसंबर से यूपी का शीतकालीन सत्र है। बिल्कुल, देखिए 7 को लोकसभा का सत्र शुरू होगा और 5 को यूपी का विधानसभा का सत्र शुरू होगा, और कल जो लोकभवन मीटिंग थी उस मीटिंग में कई प्रस्ताव पास हुए हैं, पर्यटन से लेकर के या निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव पास हुआ है, और उसमें यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स नियमावली में संशोधन किया गया है। योगी के कैबिनेट शीतकाल में जो जुड़े हुए प्रस्ताव है उनको मंजूरी दी गई है, और विधानसभा कालीन का जो सत्र है वो 5 दिसंबर से शुरू होगा। हालांकि ज्यादा दिन नहीं है, और ऐसे में निकाय चुनाव भी है और उपचुनाव भी है, दोनों को इनको देखना पड़ेगा। 5 वर्षों में तो 22,000 मेगावाट बिजली का जो उत्पादन किया है इसको भी लेकर के प्रस्ताव पास हुए। प्रस्ताव से जुड़े हुए जो मामले हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी जो कल के कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें कई अहम प्रस्ताव को माना इसलिए जा रहा था क्योंकि उनके पास निकाय चुनाव का एक टास्क है और दूसरा जो है लोग उपचुनाव का,
इसके बाद 2024 का भी रास्ता इनको यूपी से तय करना है। और सबसे ज्यादा सांसद उत्तर प्रदेश से है, संसद का जो रास्ता है वो भी यूपी से होकर के जाता है। इसलिए योगी के लिए कैबिनेट में कल की प्रस्ताव मुख्य थे और जिस तरह से इन्होंने प्रस्ताव पास किए हैं, अभी इनको सबसे ज्यादा रोजगार पे ध्यान देना पड़ेगा, रोजगार के साथ साथ कानून व्यवस्था पर भी ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर के उत्तर प्रदेश में इनकी पूरी चीज की मॉनिटरिंग को कवर किया जा सकेगा। जी दानिश, जैसे बताया जा रहा है कि बैठक में विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है उसमें 5 दिसंबर से ही 3 दिवसीय सत्र बुलाने समेत कुल जो 12 प्रस्ताव है उस पर मुहर लग गई है, तो इसमें 12 प्रस्ताव पर मुहर लगी है, उसकी अपडेट दीजिए। देखिए, प्रस्ताव में भी कल की मैंने जैसे न्यूज़ ने सबसे पहले बताया था कि 2 दिन पहले के लोकभवन में कल मीटिंग होनी है, उसको स्पेशली मीटिंग है, कैबिनेट के प्रस्ताव होने हैं। उन 12 प्रस्ताव में जैसे कि पर्यटन से जुड़ा वो प्रस्ताव पास हुआ है, जो प्रदेश में पुराने महलों के जो हेरिटेज होटल हैं उसमें सरकार बदलने की मदद करेगी, जो विलेज स्टे के लिए जो प्रस्ताव हुए हैं वो ग्रामीण इलाकों के लिए है कि घरों को स्टे के तहत सुधारने में मदद की जाएगी, 2 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव हुआ, यानी कि विश्वविद्यालय भी 2 बढ़ाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में, और गाजियाबाद महावीर विश्वविद्यालय प्रस्ताव का मेरठ में प्रस्ताव पास हुआ है, 12 बेड बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पास हुए, जो क्रिटिकल यूनिट केयर होते हैं जैसे गंभीर मरीज होते हैं उनको लेकर के 12 बेड बढ़ाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक सीमावली में संशोधन किया गया है, चिकित्सकालीन सत्र से जुड़े सारे प्रस्ताव उनसे पास किए गए थे, जैसे कि इसमें सुरक्षा बल की जो वाहिनी है इसमें 244 नए वाहन जो है उसमें क्रय किए जाएंगे, पुराने वाहनों को नीलाम किया जाएगा और सोलर नीति को भी लागू करने का प्रयास किया गया है, 22,000 मेगावाट बिजली देने का प्रस्ताव पास किया गया, इन चीजों के लेकर सूचना और औद्योगिक जो जितने प्रस्ताव थे उनको पास किया गया है। अभी सरकार के पास जो मोटिवेट जो होना का है उत्तर प्रदेश में, ये जो मोटिवेट हो रहा है सरकार को, इसको ये भी देखना होगा कि रोजगार उनके लिए पहला स्थान होना चाहिए, दूसरा उनके लिए कानून व्यवस्था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सरकार के सबसे ज्यादा कहीं पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जो विपक्ष के लिए भी ताजा तरीन मुद्दा बनता है वो है उत्तर प्रदेश में रोजगार की कमी यानी बेरोजगारी का बढ़ावा होना, और दूसरा यहाँ पर जो है पुलिस कानून व्यवस्था, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मामले लगातार आ रहे हैं इससे ये पता चल रहा है कि न तो 10-76 पे किसी मामला सॉल्व किया जा रहा है, न ही कंप्लेनों पर गंभीर अधिकारी, लेकिन जो प्रस्ताव पास हुए हैं उन प्रस्ताव में देखने को ये भी मिल रहा है कि सरकार जो है गंभीर है और उत्तर प्रदेश के धीरे धीरे वो कचरे की चाल से धीरे धीरे चल रही है, और मुझे लगता है कि अगला कदम जो प्रस्ताव होगा शायद उसमें कोई रोजगार के योजनाएं लागू होंगी। जी दानिश, जिस तरह से बैठक में 2 निजी विश्वविद्यालय की भी बात की जा रही है, स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, तो इससे कितना लाभ देखने को मिल सकता है? देखिए, विश्वविद्यालय और अस्पताल ये तो मुख्य मुद्दे पूरे भारत में क्या हमारे पूरे वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अब सरकार ने फैसला किया है निजी विश्वविद्यालयों को बढ़ाने का। देखिए, उससे कहीं हद तक मैं कह सकता हूँ कि 2 निजी विश्वविद्यालय हैं, मैक्सिमम मैं आशंका हूँ कम से कम 20,000 या 30,000 छात्रों का भविष्य तय हो गया उसमें, तो 2 निजी विश्वविद्यालयों के साथ साथ अगर यूपी में और निजी विश्वविद्यालय बढ़ाए जाए, विश्वविद्यालयों में ये होता है कि अक्सर जो बच्चियाँ होती हैं, जो छात्राएं होती हैं, वो घर से दूर जाने के लिए मजबूर होती हैं, कुछ लोग तो बाहर जाने के मजबूर होते हैं, क्योंकि ज्यादातर जनपदों में विश्वविद्यालयों की स्थापना नहीं हो पाई। अगर कैपिटल की बात की जाए तो कैपिटल में तो विश्वविद्यालय होते हैं, लेकिन जो जनपद है उत्तर प्रदेश को अभी पिछड़े हुए हैं, वहां पर कुछ विश्वविद्यालय ऐसे भी हैं जहां पर जनपदों में विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हो पाई थी। 2 निजी विश्वविद्यालय से ये तो हुआ कि कुछ छात्रों का भविष्य तय हो गया, इससे ये उम्मीद लगी है कि शायद आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में और निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी, और इन विश्वविद्यालयों में जो छात्राएं हैं जो बाहर जाने के लिए विवश होती हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और अब विश्वविद्यालय के लिए सरकार एक पहल कर रही है। जी दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार को ही यानी कि 16 नवंबर को आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां और विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में तत्पर नहीं है, लेकिन जब बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं तो उन पर कार्रवाई करने से परहेज करती हैं। सीएम ममता बनर्जी की टिप्पणियाँ स्पष्ट रूप से बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष के संदर्भ में देखी जा रही हैं। दरअसल घोष के फ्लैट के कागजात स्कूल शिक्षा आयोग यानी कि SSC घोटाले के एक आरोपी संपन्न रॉय के आवास से बरामद हुए हैं, और तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी ने झाड़ग्राम से 2 दिवसीय दौरे के लिए कोलकाता से रवाना होने से पहले मीडिया से बात करते हुए कहा कि अपिता मुखर्जी के आवास के पार्थ चटर्जी के नाम के दस्तावेज मिलने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था और वो सही था।
कानून अपना काम करेगा, सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि लेकिन जिस बीजेपी नेता के फ्लैट के कागजात एक आरोपी के घर से जब्त किए थे और उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। ऐसा लगता है कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही केंद्रीय एजेंसियां तेजी से कार्रवाई कर रही हैं और लेकिन जब बीजेपी नेताओं की बात आती है तो वो इतनी तपतर नहीं होती हैं। घोष ने कहा कि प्रसन्न रॉय और एक मैक दिवाहाईसी सोसाइटी में रहते हैं, वे समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष थे और मैंने उन्हें बिजली कनेक्शन का नाम बदलने के लिए फ्लैट के कागजात की कॉपी दी थी और उन्होंने कहा कि मैंने बैंक से कर्ज लेकर फ्लैट खरीदा है, टीएमसी से मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। प्रदेश बीजेपी के पूर्व प्रमुख ने यह भी कह दिया कि वो केंद्रीय या राज्य एजेंसियों द्वारा किसी भी जांच के लिए तैयार है और ईडी ने एसएससी भर्ती घोटाले में ही पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को भी जुलाई में गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल के अलीपुरम द्वारा ही एक अदालत ने 13 साल के पहले ज्वेलरी के दो दुकानों में हुई चोरियों के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणित के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मुकदमे की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हुई है और गिरफ्तारी वारंट जब जारी किया गया उस वक्त बीजेपी सांसद प्रमाणिक की ओर से कोई वकील मौजूद नहीं था। मंत्री के साथ साथ एक अन्य आरोपी के खिलाफ भी 11 नवंबर को वारंट जारी किया गया था और प्राथमिक के वकील दुलाल घोष ने ही हालांकि अपने अगले कानूनी कदम के बारे में नहीं बताया और अलीपुरद्वार रेलवे स्टेशन और बीरपारा के पास मौजूद गहनों की दुकानों में ही 2009 में चोरी हुई थी और सरकारी वकील जे मजुमदार ने बुधवार 16 नवंबर को बताया था कि कलकत्ता के ही उच्च न्यायालय के निर्देश पर उत्तरी 24 परगना जिले के एमपी और एमएलए अदालत से इस मुकदमे को अलीपुर द्वारा अदालत में स्थानांतरित किया गया है और उत्तर बंगाल में बांग्लादेश की सीमा से सटे दिनहाटा कस्बे में रहने वाले प्रमाणिक 2019 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए और वो फरवरी 2019 में बीजेपी में शामिल हुए थे और इससे पहले वो तृणमूल कांग्रेस में थे जहां से पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। संपर्क करने पर अलीपुरद्वार के पुलिस अधीक्षक ने इस संबंध में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। दो हजार 2016 में हुई नोटबंदी का केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुरजोर बचाव किया है और कोर्ट में दाखिल हल्फनामे में सरकार ने बताया है कि ये टैक्स चोरी रोकने और काले धन पर लगाम लगाने के लिए लागू की गई और सोची समझी योजना थी और नकली नोटों की समस्या से निपटना और आतंकवादियों की फंडिंग को रोकना भी इसका मकसद था। सरकार ने कहा कि इसकी सिफारिश रिजर्व बैंक ने की थी और इसे काफी चर्चा और तैयारी के बाद लागू किया गया था। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को वापस लेने की घोषणा की थी और इसके बाद लोगों को कुछ समय तक करेंसी नोट की कमी का सामना भी करना पड़ा था। पुराने नोटों को बदलाने के लिए बैंकों के बाहर लंबी कतारें भी देखने को लगी थी और सरकार के इस कदम को 30 से ज़्यादा याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और इन याचिकाओं में ही ये कहा गया है कि बिना तैयारी के लागू हुई इस योजना के चलते लोगों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है। ये योजना ना सिर्फ नियम कानूनों को ताक पर रखकर लागू की गई बल्कि इससे लोगों के संवैधानिक अधिकारों का भी हनन हुआ है और इस मामले की सुनवाई कर रही 5 जजों की संविधान पीठ ने सरकार से ये भी पूछा था कि नोटबंदी क्यों लागू किया गया, 500 और 1000 रुपए के नोटों को वापस लेने का फैसला लेने से पहले किस तरह प्रक्रिया अपनाई गई और जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि ये फैसला आर्थिक और मौद्रिक नीति का हिस्सा है, इसकी समीक्षा कोर्ट में नहीं की जानी चाहिए और केंद्र सरकार ने ये बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत ही रिजर्व बैंक और सरकार के पास किसी करेंसी नोट को वापस लेने का फैसला लेने का अधिकार है। सरकार ने यह भी बताया कि नोटबंदी के कुछ समय के बाद ही संसद ने भी इसको लेकर स्पेसिफाइड बैंक नोट्स यानी कि आपको बता दें सेशंस ऑफ लायबिलिटीज एक्ट 2017 पारित
कर इसको मंजूरी दी और ऐसे में ये नहीं कहा था, कहा जा सकता कि नियमों का पालन किए बिना नोटबंदी को लागू किया गया था। सरकार ने ये दावा किया है कि नोटबंदी का फैसला उसके अकेले का नहीं था और इसकी सिफारिश रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने की थी और इस योजना को बहुत ही सोच विचार कर लागू किया गया था और उससे पहले काफ़ी तैयारियां भी की गई थी। पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 24 नवंबर को होनी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज यानी गुरुवार को ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय रांची में उपस्थित होंगे। उन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए समन किया है। बुधवार को सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक के बाद हेमंत सोरेन के उच्च अधिकारी को लेकर राजनीतिक गलियारे में अटकलें लगाई जा रही लगी हैं। आपको बता दें कि अगर विपरीत परिस्थितियाँ आए तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को गद्दी सौंप सकते हैं और कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री के साथ राजनीतिक कार्यक्रमों में अक्सर भाग लेती हैं। मंगलवार को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर भी वो मंच पर मौजूद थी और इसके अलावा झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन का भी नाम लिया जा रहा है। ईडी कार्यालय में उपस्थित होने के पहले हेमंत सोरेन अपने आवास में मीडिया से रूबरू होंगे और संभावना जताई जा रही है कि इस दौरान वे कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। आपको बता दें कि अभिभाजित बिहार का राजनीतिक प्रयोग कभी उस प्रदेश का हिस्सा रहे झारखंड में भी दोहराया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को जब सीबीआई जांच ने पूछताछ के लिए बुलाया था तो उन्होंने गद्दी अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सौंप दी थी। तो आपको बता दें कि खबर सीएम हेमंत सोरेन को लेकर है, जो उसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि मंगलवार को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर भी वो मंच पर मौजूद थे और जिसके बाद ये कार्रवाई की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी क्षेत्रीय कार्यालय रांची में उपस्थित होना है और उन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए समन भी किया है। बुधवार को सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक के बाद हेमंत सोरेन के उच्च अधिकारियों को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाई जाने लगी है। अगर विपरीत परिस्थितियां आई तो हेमंत सोरेन को अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को गद्दी सौंपनी होगी। हालांकि ऐसा केस हमने पहले भी देखा हुआ है लालू यादव के समय में, जब लालू यादव को जाँच के लिए जाना था तब उन्होंने अपनी गद्दी जो है अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सौंप दी थी और कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री के साथ राजनीतिक कार्यक्रमों में अक्सर साफ जो है वो देखी भी जाती हैं, उनके साथ में नजर आती हैं। मंगलवार को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर भी वो मंच पर मौजूद थी और इसके अलावा आपको बता दें कि झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन का भी नाम लिया जा रहा है इस दौरान। और ईडी कार्यालय में उपस्थित होने के पहले हेमंत सोरेन अपने आवास में मीडिया से रूबरू भी होंगे और संभावना ये भी जताई जा रही है कि इस दौरान कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि अभिभाजित बिहार का राजनीतिक प्रयोग कभी उस प्रदेश का हिस्सा रहे झारखंड में भी दोहराया जा सकता है। बता दें कि बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को जब सीबीआई जांच ने पूछताछ के लिए बुलाया था तो उन्होंने गद्दी अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सौंप दी थी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में एक कार गहरी खाई में गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई है और इस बात की जानकारी किश्तवाड़ के उपायुक्त ने दी है। और जिन लोगों की मौत हुई है उनमें 4 महिलाएं और एक ड्राइवर भी शामिल है। घटना जो है वो किश्तवाड़ के मारवाह इलाके में करीब 5:30 बजे के आसपास हुई है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए किश्तवाड़ के उपायुक्त देवांश यादव ने बताया है कि जम्मू मंडल के किश्तवाड़ के मारवाह इलाके में एक टाटा सुमो कार नाले से सटी हुई थी जो बाद में खाई में गिर गई और सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। कार में बैठे सभी लोग मारवाह के ही रहने वाले थे। हालांकि अभी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वो सभी मारवाह के थे क्योंकि शवों की बरामदगी जो है वो उसके बाद ही मृतकों की पहचान जो है वो की जा सकेगी। और इसके साथ ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि किश्तवाड़ में एक सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत के बारे में जानकर दुख हुआ, शोक
और इसके साथ ही संतप्त परिवारों के प्रति उन्होंने गहरी संवेदना भी जता दी है और जिला प्रशासन को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश भी दिया है। आपको बता दें कि अभी तक दिन पहले भी डोडा जिले में एक कार खाई में गिर गई थी, जिससे बैठे सड़क और वन विभाग के अधिकारियों की मौत हो गई थी और ये घटना सुबह के वक्त बटोटे किश्तवाड़ हाईवे पर हुई थी। और इस घटना पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दुख जताते हुए कहा कि अधिकारियों की मौत विभाग और समाज के लिए बड़ा नुकसान है। और इस घटना में पुंछ के कार्यकारी अभियंता रफीक शाह, उधमपुर के सहायक कार्यकारी अभियंता कमल किशोर शर्मा और चालक मोहम्मद हफीज की मौत हो गई है। आपको बता दें कि SHO ने यह भी कहा है कि दुर्घटना में अधीक्षण अभियंता सुरेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे और जिसके बाद उन्हें जम्मू के राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ही ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ये दुर्घटना कोहरे और भारी बारिश के कारण कम दृश्यता की वजह से हुई है। तो जम्मू कश्मीर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। बता दें आपको कि 4 महिलाओं समेत 8 लोगों की इसमें मौत बताई जा रही है। बेहद दुखद खबर सामने आई है जम्मू कश्मीर से, जहां पर खाई में गाड़ी गिरने से बड़ा हादसा हो गया और 8 लोगों की मौत इसमें बताई जा रही है। वहीं आसपास के ग्रामीण लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने जो यहाँ का देखा सीन उन्होंने ये देखा कि गंभीर रूप से लोग घायल भी यहाँ पर देखने को मिले हैं और किश्तवाड़ में भीषण सड़क हादसे की खबर से सनसनी इलाके में फैल गई है। वहीं आसपास के लोग साफ तौर पर डरे हुए और सहमे हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की खबर है, जहाँ पर ये भयंकर हादसे की खबर सामने आई है और घटना में पुंज के कार्यकारी अभियंता रफीक शाह, उधमपुर के ही सहायक कार्यकारी हैं अभियंता कमल किशोर शर्मा और चालक मोहम्मद हफीज की मौत इसमें हो चुकी है। और SHO ने कहा है कि दुर्घटना में अधीक्षण अभियंता सुरेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें जम्मू कश्मीर के ही राजकीय मेडिकल कॉलेज में लेकर जाया गया, जहां उनकी अब मौत हो चुकी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह दुर्घटना कोहरे और भारी बारिश के कारण हुई है। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में मौसम करवट लेते दिख रहा है। तापमान में गिरावट के साथ अब ठंड महसूस हो रही है। पहाड़ी राज्यों में जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख में और इसके साथ ही 18 नवंबर से 20 नवंबर तक मध्य बारिश से लेकर बर्फबारी होते देखेंगे और हिमाचल प्रदेश में 19 नवंबर को बर्फबारी होने के पूरे अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार बताया जा रहा है कि दिल्ली में 17 नवंबर न्यूनतम तापमान जो रहेगा 12 डिग्री तक दर्ज हो सकता है और वहीं अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी में तापमान अगले 2 दिन लगातार गिरेगा और 19 नवंबर को न्यूनतम तापमान जो रहेगा 11 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है। वहीं राजधानी में प्रदूषण के हाल पर नजर डालें तो यहां 16 नवंबर की शाम 7 बजे के करीब AQI 260 दर्ज किया गया था, जो खराब श्रेणी में आता है। उत्तर भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के मौसम में देखें तो आज यहां न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है। वहीं सुबह के वक्त राज्य के अधिकतर हिस्सों में कोहरा भी देखा जा सकता है। यहाँ कल प्रदूषण का स्तर मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया है। गाजियाबाद में बीते दिन AQI 167 दर्ज हुआ था, जो मध्यम श्रेणी में आता है। तो आपको बता दें, मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। दिल्ली, यूपी, पंजाब में अब तापमान गिरने वाला है और इसके साथ ही तापमान गिरने के साथ ही लोगों को ठंड का एहसास अब और ज़्यादा बढ़ जाएगा। बता दें आपको कि ठंड का एहसास अब बढ़ने लगेगा और इसके साथ ही अब लोगों को अपने गर्म कपड़े निकालने की इसमें ज़रूरत बताई जा रही है और पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद जो तापमान है उसमें गिरावट आ सकती है। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में मौसम करवट लेते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही आपको बता दें कि ठंड जो है वो अब महसूस जो है उसका वो ज़्यादा होने लगी है। पहाड़ी राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर की बात कर लें तो वहाँ पर भी
जो ठंड का एहसास है वो ज्यादा होने लगा है। लद्दाख में 18 नवंबर से 20 नवंबर तक मध्य बारिश से लेकर बर्फबारी होते दिखेगी। हिमाचल प्रदेश में और 19 नवंबर को बर्फबारी होने के पूरे अनुमान जताए गए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज 17 नवंबर न्यूनतम तापमान जो रहेगा वो 12 डिग्री तक दर्ज हो सकता है। और वहीं अधिकतम तापमान की अगर बात कर ले तो 27 डिग्री तक जा सकता है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी में ही तापमान अगले दो दिन लगातार गिरेगा। और 19 नवंबर की अगर बात करें तो वहां पर 19 नवंबर को न्यूनतम तापमान जो रहेगा वो 11 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है। और वहीं राजधानी में प्रदूषण के हाल पर नजर डालें तो यहाँ 16 नवंबर की शाम को 7 बजे के करीब AQI 260 दर्ज किया जा सकता है, जो कि खराब श्रेणी में आता है। उत्तर भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के मौसम में देखें तो आज यहां न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है। वहीं सुबह के वक्त राज्य के अधिकतर हिस्सों में कोहरा भी देखा जा सकता है। और यहां कल प्रदूषण का स्तर जो था वो मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया है। और गाजियाबाद में बीते दिन AQI 167 दर्ज हुआ था, जो मध्यम श्रेणी में आता है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।